हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिशा हिंदी क्लासेस। इस वीडियो में हम वाक्य वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य जानेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहले हम जानेंगे कि वाक्य का अर्थ क्या है। वाक्य यानी क्या है? पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के हैं। पहला जो है विधानवाचक वाक्य। पहला क्या है? विधानवाचक वाक्य। इस वाक्य में कार्य या बात के होने का पता चलता है। कार्य यानी काम या बात के होने का पता चलता है तो वह क्या क्या कहलाता है? विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, राधा सुबह गाती है। इसमें कार्य भी है। क्या कर रही है? कार्य गाना गा रही है। राधा सुबह गाती है, तो यह क्या बनता है? विधानवाचक वाक्य। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य, इसमें कार्य या बात का ना होने का पता चलता है। विधानवाचक का अपोजिट क्या है? निषेधवाचक वाक्य। नकारात्मक मतलब इसमें कार्य का पता नहीं चलता है। जैसे कि आज मोहन घर नहीं आएगा। आज मोहन घर नहीं आएगा मतलब यह नहीं, नहीं मतलब क्या है? ये नकारात्मक वाक्य। तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा माने ऑर्डर करना या आदेश देना या प्रार्थना करना या आग्रह, रिक्वेस्ट करना। इन शब्दों का बोध हो उस वाक्य में, उस वाक्य को क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, तुम घर जाओ। तुम घर जाओ, जाओ क्या है? हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आदेश दे रहे हैं, है ना? तो इस तरह के वाक्य को क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। चौथा है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न किए जाने का पता चलता है। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न किए जाने का पता चलता है, वह प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, तुम सब क्या कर रहे हो? तुम सब क्या कर रहे हो? क्या मतलब क्या है? प्रश्न करना है, तो यह क्या बनता है? प्रश्नवाचक वाक्य। पांचवा है इच्छावाचक। इच्छा मतलब इच्छा, जिस वाक्य में इच्छा का बोध हो या शुभकामना, शुभकामना आशीर्वाद ब्लेसिंग्स का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? इच्छावाचक कहते हैं। ऑल द बेस्ट, यह क्या है? शुभकामना। इस तरह के वाक्य में शब्दों का बोध हो तो वह इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं? शुभकामना दे रहे हैं। विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य में जिस वाक्य में आश्चर्य या प्रेम या हर्ष, हर्ष यानी खुशी, शोक या दुख भावों का पता चले, वह विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, वाह तुम कक्षा में अव्वल आए हो। वाह तुम कक्षा में अव्वल आए हो, तो यहाँ पर आश्चर्य चकित का पता चलता है। सातवां है संदेहवाचक वाक्य। मतलब इस वाक्य में किसी कार्य या बात के होने में संदेह हो या संदेह का बोध हो, डाउट, संदेह मतलब क्या है? डाउट का पता चले, उस वाक्य को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, उसने पढ़ लिया होगा। होगा, होगा मतलब ये डाउट है, पढ़ा या नहीं पढ़ा हमें पता नहीं है, परंतु डाउट है पढ़ा होगा, तो इस तरह के वाक्यों को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। आठवां है अंतिम वाला संकेतवाचक वाक्य। इस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे कि, यदि वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, मतलब वर्षा होने पर ही फसल अच्छी होगी, तो यहाँ पर उपवाक्य एक प्रधान वाक्य है और दूसरा उपवाक्य, दोनों भी क्या हो रहे हैं? आश्रित, एक से एक डिपेंड होकर रह रहे हैं। वर्षा होगी तो फसल उगेगा, इस तरह, तो इस तरह के वाक्यों को क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।